हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट पैटर्न में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लेडीज कोट सिंगल वर्डन। इसकी हम कटिंग बताएंगे कैसे होती है और बहुत आसान तरीका होगा बताने का, और इसका मैं पैटर्न बनाऊंगा और आपको बहुत ध्यान से देखना है वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताना। ये मीडियम साइज है। सबसे पहले हम इस तरह हम स्केल को रखेंगे, स्क्वायर को, और ये हमें निशान लगा लेना है। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़कर हमें दूसरा निशान लगाना है। और इस साइड में हमें 1 इंची छोड़ देना है। जैसे मैं छोड़ रहा हूं, सबसे पहले हम बैक काटते हैं कोट की। यह हमने बैक सेंटर का निशान लगाया है। इसकी लेंथ 26 है तो हम 26 पर निशान लगा लेते हैं। अब इसका मेजरमेंट्स जो है 35 इंची की चेस्ट है तो हम इसका 4th में डिवाइड करके ये निशान लगाते हैं, 9.25 इंची। हमने 9.25 इंच लगाया है और वेस्ट का हम इसका लगाते हैं 16 इंची। हमने लगा लिया है निशान। अब हम इस निशान को सीधा लगाते हैं। अब जितना स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई है जितनी, वैसे मैं बता देता हूं आपको कितना लगाना है। ये हमारा जितनी चौड़ाई है 2.25 इंच है तो 2.25 इंच ही आपको लगाना है। ये 2.25 इंच का निशान हो गया। और ये हमें वेस्ट का निशान हो गया है। और ये हमारा नीचे लेंथ का निशान हो गया। ये हमारे निशान हो गए। ये हमने आर्म होल सीन चेस्ट का 4th हिस्सा करके 4th में डिवाइड करके 4th हिस्सा लगाया है 9.25 इंची चेस्ट का। ये हमने 16 इंच लगाया है वेस्ट के अकॉर्डिंग। वेस्ट राउंड जो होता है 16 इंच, 17 इंच से ज्यादा ऊपर नहीं होता है। इंडियन है तो 16 इंच है और वेस्टर्न है तो 17 इंच का। अब सबसे पहले हम
इस सेफंडी को इस तरह रखेंगे और यहां से पौन इंच, ये हमारा पौन इंच निशान है, ये हमने इस निशान से पौन इंच इधर साइड में निकाला है और ये चीज यहां हमने बराबर रखी है। तो ये इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, ये हमारा बैक का निशान। अब हमारी बैक है, साढ़े चौदह इंच, तो हम मार्जिन लेकर सवा सात और तीन सूत, ये हमारा बैक क्रॉस हो गया। अब ये हम हाले का निशान लगाएंगे, ये दोस्तों देखो इसमें ये यहां से जितना साइज हो आपका, ये 30 इंच हो गया या 16 दूनी 32 हो गया या 17 दूनी 34 या 18 दूनी 36, इस तरीके से ये हाले का निशान लगता है। हम ये 17.5 सेंट मतलब पॉइंट पर इसका हम निशान लगा देते हैं, एक आध सूत इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसका जो मेजरमेंट है उसी हिसाब से रख दो। तब एक इंच हम यहां से डाउन करेंगे, शोल्डर इसका 15 इंची है, हमने यहां पर आधा इंच बढ़ाया है, दो सूत नम इसमें हल्की सी नम दी जाएगी और दो सूत हमारा मार्जिन हो गया, ये हमने निशान लगा दिया। अब ये आप ऊपर डायरेक्ट रखकर आप डायरेक्ट भी निशान लगा सकते हैं, ये आपका 18 दूनी 36 है तो ये आपका मार्जिन लेके ऊपर लगा देना है आपको, और एक ये भी है इसका हिसाब, ये आपका ये पॉइंट रखा है इस साइड से हमें रखना है और ये यहाँ पर साइज बाय साइज आपका लगा हुआ है, इसमें ऊपर मार्जिन रख लेना आप, और एक हिसाब ये है नीचे वाले निशान से आपको, ये हमारा 18 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया, बात उतनी ही आनी है जितनी उससे है, बस उतनी ही इससे मेजरमेंट आएगा आपको। तरह से हमें निशान लगा लेना है, अब ये इस तरह हमें रखना है, ये हमारी जितना साइज हो उसका हाफ होता है, ये 18 दूनी 36 है और इसमें 1 सेंटीमीटर हमें मार्जिन लेना होता है, तो हमने ये हल्का सा 18 में हल्का सा एक सूत कम करके हमने 35 के हिसाब से लगा दिया है, ये साइज ये 18 है, इससे हल्का सा मैंने कम कर दिया एक पॉइंट, और एक हिसाब ये भी होता है 6 और जिसका डबल कर दो और इसमें मार्जिन लगा दो, जितना ये हमारा हाला आ रहा है नापने में ये 3 इंची है
और 3 इंच का डबल करके 6 इंच हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया। अब यहां से हम बैक को, ये हमारी टोटल बैक 6.5 इंच ही आ रही है, हम नीचे को 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानी कि 7/7 इंची, 7/7 इंची ये हो गया हमारा। अब हमें इस तरह से ये रखना है। और ये इस तरह से रखना है हमें। किसने भी है? ये हमारी बैग तैयार है, निशान हमारे लग चुके हैं। इस तरह से ये निशान लगाना है आपको। ये हमने चेस्ट का 1/4 में डिवाइड करके लगाया है, फिर हमने ये 1/2 इंच स्क्वायर से लगा लिया है नाप। ये हमने 16 इंच पे लगाया है और जीवा ये हमने लेंथ है, ये हमारी 1 सेंटीमीटर मार्जन है ऊपर, ये हमने 1/4 इंच लगाया है, सेफ अंटिया मिलाकर हमने 1/4 इंच इस निशान को इधर से, ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा पहले निशान लगा लिया था, ये हमने यहां का डबल करके मार्जिन लेकर लगाया है और ये निशान हमने यहां से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेकर लगाया। अब आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा 15 इंच शोल्डर है तो हम 2 सूत की इसमें नर्म दी है हमने और 3 सूत एक्स्ट्रा है ये। अब हम किस तरह हमें काटना है ये आपको देखना है, कहाँ इसमें मार्जिन होता है कहाँ नहीं होता है। ये हमने यहाँ मार्जिन देकर काटना है। अगर डायरेक्ट काट रहे हो तो आपको इसी तरह से काटना है। ये हम यहाँ अभी एक सेंटीमीटर का मार्जिन रख देते हैं, वैसे आपको नीचे 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन रखना है। ये हमारा फिक्स है, यहाँ से फोल्ड होना है। अब हम फ्रंट काटते हैं इसका। जो निशान ये लगे हुए हैं हमारे, इसी निशान को हम आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से हमें निशान आगे बढ़ा लेना है।
फिर हमें ये निशान लगाना है सीधा है। फिर ये पौन इंच इधर मार्जिन छोड़ना है तलपट का, ये हमारा तलपट का निशान है पौन इंच, ठीक है, ये पौन इंच निशान है तलपट है ये हमारी। ये हमने पौन इंच का निशान लगाया है, अब हम नेक का निशान लगाते हैं। यहां से देखो ये हमारा 17-18 इंच हमने इसके निशान लगा लिया है, हमने 18 इंच पर एक पॉइंट कम, और 18 भी रख दोगे तब भी कोई बात नहीं है, एक पॉइंट में दर्द कुछ नहीं होता। और ये इधर हमने 18 लगा दिया है, ये हमें फ्रंट क्रॉस लगाना है, तो हमें ये 18 दूनी 36 एक पॉइंट कम और 1 सेंटीमीटर हमें मार्जिन लेना है इधर, तो इसमें हमने 19 इंच पर लगा दिया निशान। फिर ये 1.5 इंच लगाना है आगे, अब ये आप इस तरह भी लगा सकते हो कि आप सीने का चौथाई करके पूरा निशान लगाओ, उसमें 2 सूत ऐड मतलब 3 सूत मार्जिन ऐड कर देना, फिर 1.5 इंच अंदर ले लेना, उतना ही आएगा, एक आध सूत का रख 19-20 का फर्क हो कोई बात नहीं है उसमें, मगर मेजरमेंट तुम्हारा सही आएगा। ये हमारा स्टेम 9 इंच एक सूत आ रहा है, 3 सूत मार्जिन और 9.5 इंच हमारा फिक्स में पूरा रेडी आया है। ये इस तरह भी लगा सकते हो इंचों में, और सेंटीमीटर का मैंने आपको बता दिया क्रॉस फ्रंट। अब उसी तरह हम बैक का लगा लेते हैं, ये हमारा 18 दूनी 36 और ये मार्जिन हो गया, ये हमारा मार्जिन है और ये इस तरह से हमें मिला के ये लगाना है, और फिर इसे 2 सूत कम कर देना है यहां से, क्योंकि फ्रंट हमें कंधी कम रखनी है 2 सूत। अब ये इस तरह से रखना है हमें फ्रेंच, फिर ये इस तरह से रखना है आप, ये हमारा आर्म होल लग गया है। अगर किसी को ऊपर वायलेट देना है लेडीज में, तो यहां से 1.5 इंच पर ये 1.5 इंच, यहां से ये 1.5 इंच निशान लगाया और यहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया, और जितना हमारा हाला है उस हिसाब से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिर्फ, और एक ये भी है, ये जो है 8वां हिस्सा भी लग जाता है इसमें,
इस तरीके से, जैसे है ये पौने 9 इंची है चौथाई, तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फिर ये हमने इसे 1/4 इंच कम कर दिया, वहां 1/4 इंच बढ़ाना है, यहाँ 1/4 इंच कम करना है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, उस तरीके से भी लगा सकते हो, हाले से। बैक का जो हाला जितना होता है, 3 इंच आया है तो 3 इंच में 1/4 इंच ऐड कर दो, आपको उतना ही आ जाएगा। हम यहाँ लगा देते हैं, आप जिसको लगाना हो लगा ले। इस तरीके से हमें ये निशान वॉलेट का देना है। ये ज्यादा चौड़ी नहीं डालनी है हमें, 1/4 इंच देना है सिर्फ हमें। इस तरह से ये हो गया हमारा, ये हमारा अभी हाला है। और इसे इस फ्रेंच को इस तरह रखना है और ये निशान इस तरह लगाना है। ये हमारा शोल्डर हो गया। अब इसमें हमारा अपेक्स पॉइंट 10 इंची है और ये हमारा 4.25 इंची यहां लगाना है। ये 4.25 पे हमने लगा दिया। इस वॉलेट से सेंटर में ये डार्ट डलती है, ऐसे अपेक्स पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर 4 इंची आएगा। इधर भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो सेंटर में आ जाए तो वो ठीक रहती है। ये पॉकेट है हमारी, 26 इंच लेंथ है। नॉर्मली यहाँ आप 2.5 इंच पर पॉकेट लगा सकते हो, ये सीधा सीधा हिसाब है। और अगर आपको मेजरमेंट से लगाना है तो लेंथ का तीसरा दो हिस्से लेकर आप मार्जिन देकर लगा सकते हो आप। 9 × 3 = 27 है, इसमें 2 सूट कम हो जाएगा, 9 × 2 = 18 और मैंने 18.5 पे ये लगा दिया है। 2.5 इंच लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक रहता है। फिर ये हम सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा सीधा निशान हो गया, जितना ये इधर है उतना ही हमें यहाँ लगाना है। और ये पहले सबसे पहले हम ये निशान लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें 1/4 इंच आधा इंच लो, ठीक, और यहां पर इस निशान पर 3.5 इंच, यहां 1/4 इंच कर दिया है, या 1/2 इंच, हमने 2 सूत का फर्क रखा है यहां। अब हमारी जो वेस्ट है वो है इसमें 28 इंची, इसका नाप है कमर का, तो हमने 1/2 इंच मार्जिन रखकर ये निशान लगाया है। अब हम इस डार्ट्स को 3 इंच निकाल देंगे, इस डार्ट्स को 3 इंच हम निकालेंगे।
सबसे पहले हमने ये निशान लगाया यहाँ, इस निशान के अकॉर्डिंग यहाँ इधर साइड में हम सिर्फ 1 इंच पॉकेट का हम हिस्सा इधर साइड में बढ़ाएंगे पॉकेट के लिए, इस डार्ट्स को इधर करेंगे। अब ये हमारा इधर 3.25 इंच एक सूत है। अब हम इसे 3 इंच यहां से अगर निकालेंगे ये डार्ट्स इस तरह आपको निकालनी है। अब जितना ये इधर 8.25 इंची है, 8 इंच हमें यहां पर लेना है। अब जितना ये नाप में हमारा पौने 8 इंची आ रहा है तो हमें ये नापना है 3.5, और यहां से ये निशान लगाना है 2.5 इंच, ये 3.5 इंची हो गया और ये हो गया 7.25 इंच। हमारा अब ये 8.25 इंची है और ये हमारा 8.25 इंच। ये हमारा टोटल में यहां से 4.25 इंची आ रहा है तो 4.25 इंच, 4.25 इंच ये हो गया और ये निशान यहां पर आता है 4.25, 8.25। मतलब ये थोड़ा सा
पौने चार इंची और पौने चार इंच, ये हमारा डार्ट्स हो गया। अगर आपको प्रिंस बनाना हो तो यहीं से आप 2.25 इंच यहाँ निशान लगाएं और ये इस तरह से प्रिंस बना दें, ये आपका प्रिंस बन जाएगा शोल्डर प्रिंस। और अगर आपको आर्मोल प्रिंस बनाना है तो आप यहां से 4.5 इंच और ये इस तरह से रखना है आपको, ये आपको ये आपका प्रिंस हो गया, ये आपका अपेक्स पॉइंट है, ये आपका प्रिंस हो गया, ये आपकी शोल्डर लाइन हो गई प्रिंस, इसमें दोनों निशान हो गए आपके। इस तरह हमें निशान लगा लेना है, ये हमारा प्रिंस है, ये शोल्डर प्रिंस है और ये हमारा काज बनेगा सिंगल। अगर आपको डबल करना है तो आप इस पॉकेट के निशान से एक काज यहां बना दें, एक काज ये बना दें। अब यहां से हम 1/4 इंच ऊपर ये हम निशान लगाते हैं डायरेक्ट ये, और फिर 1/4 इंच जितना ये हमारा है 1/4 इंच हमने उतना ही यहां रखना है, सीधा निशान ये लगा दिया हम। अब ये यहां से रखा, ये 18 इंची हमने निशान ये लगाया और ये निशान हमने डायरेक्ट इस निशान पे लगा दिए जो हमने पहले लगा रखा है। अब ब्रेस आपको जितनी चौड़ी रखनी हो उतनी रखो, आप ये 3/4 इंच से तैयार आ रही है और ये हम इस तरह से हम पतली कर देते हैं इसे 2.5 इंच, ये हमारी 2.5 इंच चौड़ी ब्रेस तैयार है। ये हमारी 2.5 इंच चौड़ी ब्रेस तैयार है और इसका हम कट 1/4 इंच रखेंगे या 1.5 इंच ही रख लो आप, ये हमारा 1.5 इंच ही कट है। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूं, इस तरह से आपको काटना है, ये हमने 3 इंची निकाला है और 3 इंची निकाला है हमने, इसके हिसाब से आपको रखना है जितने ये आ रहा है ये उतना ही नाप ये इसका होना चाहिए, आपका पैनल यहां मिलना चाहिए आपका।
अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग आपको ऐसी करनी जैसी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम पैटर्न काट रहे हैं तो हम यहाँ बराबर से ही हम काट देते हैं। यहाँ आपको मार्जिन देके काटना है अगर फैब्रिक काटोगे आप। हम एक इसका बॉटम का निशान लगा देते हैं। आगे से ये राउंड है, हमने 1.25 इंच रखा है यहाँ पर इस तरह से। ये हमने अभी हमने इसे पैनल काटना है इसका। हमारा यहाँ बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बराबर है। ये हमारा इस तरीके से वस्त्र ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह ये आ गया है। ये हमारा फ्रंट पैनल हो गया। अब हमें इसका साइड पैनल और काटना है। हम यही निशान लगा लेते हैं सीधा सीधा। ये निशान लगाया, ये निशान लगाया, ये निशान लगाया और एक ये निशान लगाया। जिस तरह ये निशान लगे हुए हैं इसी तरीके से हमने ये लगा लिया। पेपर की विड्थ कम थी इसलिए मुझे दोबारा निशान लगाना पड़ रहे हैं। इस तरह से ये निशान लगा लेने हैं आपको। ये
सबसे पहले हमने सीधा निशान लगाया एक, ये इसका 2.5 इंच का पॉकेट का निशान है। यहां से 0.25 इंच लेना है आपको, 1 इंच लगा दो। ये निशान फिर ये लेना है आपको इस तरीके से। अब सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। ये हमारा तैयार आएगा 7.5 इंची, ये आएगा हमारा 6 इंची और नीचे आएगा 7 इंची। ये हमारा 7.5 इंची है। ये हमारा 6 इंची है। ये हमारा 7 इंची। अब हमने सबसे पहले 7.5 इंच यहां से रखा और ये हमने नापा मार्जिन छोड़कर 16 इंची। तो हम सबसे पहले ये 16 इंच निशान लगाते हैं। यहां से हमें मार्जिन छोड़ना है, यहां से लगाना है निशान। अब ये हमारा 35 इंची है, तो हम इसमें अभी हम इसमें 3 इंच की लोजिंग दे रहे हैं, 3.5 इंच की लोजिंग इसमें हम डाल रहे हैं। तो ये 35 में हमारा 19 इंची तैयार है। अब हमारा वेस्ट वाला निशान है 6 इंची बैक का। अब 6 इंच में हमारा 3.5 और ये हो गया 3.5 और 7.5 इंची। तो ये 7.5 इंच हमने यहां लगाया, 7.5 और ये हमें इस टाइम इसमें हमारा 13.5 इंच में 1 सूत कम है, ये हमारा मार्जिन हो गया और ये हमारा तैयार है इतना। तो 13 इंच हम इधर निकाल देंगे और ये हमारा हो गया है 16.5 इंच। अब बैक हमारा हिप पर 7 इंची है, इसमें हमारा मार्जिन निकाल के 7 इंची आ रहा है। 7×2=14 हमने मार्जिन निकाल दिया है और यहां पर हम 36 + 3.5 इंची हमने लूजिंग दे दिया है यहां पर 3.5 इंच की। हमने टोटल में 3.5 इंच इसमें लूजिंग दी है। तो ये हमारा इस तरीके से हमें निशान लगाना है।
निशान हमारा वेस्ट का है। अब हम ये इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारा निशान है और ये हमारा ये निशान है। इस तरह से हमें मिला लेना है। ये हमारा तैयार आ रहा है, ये यहीं ज्वाइंट होगा, फिर ये इस तरह से रखना है आपको। ये चीज इस तरह से रखनी है। ये हमारा पैनल तैयार हो गया है। अब हम इसे काट देते हैं, फिर और इसका आगे का हम बताते हैं। ये हमारा पैनल तैयार है। अब हम इसका ये निशान लगाएंगे इस तरह से। देख, ये निशान आपको देखना है, वो संभाल कर। यहां 1/4 इंच नीचे डाउन करना है, ये यहां मिला देना है। हमने 1/4 इंच इधर को राउंड शेप दिया है। ये निशान अब हमारा नहीं है, ये निशान है हमारा। और ये यहां से हम गोलाई लगा देते हैं इसकी। ये हमने गोलाई लगा दी, इसमें राउंड दामन हो गया इसका। अब ये हम अब इसमें जहां निशान है वहां मैं निशान मार देता हूं।
इसमें मार्जिन है, और ये अंदर वाली साइड में मार्जिन है। मार्जन हो गया, ये मार्जन हो गया। जहां जहां मार्जन है मैंने निशान लगा दिया है, और जहां नहीं है मैंने मार्जन नहीं लगाया है। यहां आपको एक्स्ट्रा मार्जन रखना है एज पे पूरा टोटल। ये हमारा कट है। अब मैं इसमें आप ये आपको बिल्कुल सीधा रखना है, और इस तरह से ये रख लेना है। सबसे पहले ये निशान लगाना, ये निशान हो गया। अब ये निशान डायरेक्टली ये लगाना ना, आप सीधा ये निशान आ रहा है ये लगा लेना, और एक निशान ये है इसका लगाना। अब ये 1.5 इंची है, और 1.5 इंच ये गैप देना है आपको, और यहां से 1.5 इंच ये लगाना है आपको। फिर सबसे पहले ये निशान लगाना आप इस तरह से, ये निशान हो गया, ये हमारा कट हो गया। और ये इस तरह से ये निशान लगाना है। फिर ये सेफ एंट्री को इस तरह रखना है, निशान हमारा कॉलर हो गया। यह हमारा कॉलर रेडी हो गया, हमें अलग से कोई काटने की जरूरत नहीं है। यह हमारा कॉलर है, इसे हम काट देते हैं। यह हमारा कॉलर हो गया तैयार। देखो बिल्कुल फिट आया है ये कॉलर, और ऐसे ही जब चढ़ेगा कॉलर तब भी अच्छा आएगा। सीधा ये ब्रेस टूट जाएगी, यहाँ ये फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारी ब्रेस है, ये हमारी ब्रेस टूट जाएगी यहां से। देखो कितना बेहतरीन कॉलर बैठेगा, ये बिल्कुल मिला हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फ्रंट और बैक इसकी कटिंग हो चुकी है मीडियम साइज की।
अब हम बाजू नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, आप एक बार ट्राई जरूर करना पेपर पर। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेकर। ये हमारा कॉलर है, ये इस तरह। मिलेंगे नए वीडियो में, और इसकी बाजू हम नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे काट कर, वो आप जरूर देख लेना। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं इसमें मैंने बाजू नहीं काटी है, बाजू की वीडियो में अलग से डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए पैटर्न के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।